हे हे गाइस, गाइस, आप आप सभी सभी को को हमारी हमारी तरफ तरफ से से हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। हेलो गाइस, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। हाँ, ये देखो, गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग में शूट नहीं कर रही हूँ, रात के बज रहे हैं 7:30। तो हम रात को शूट कर रहे हैं क्योंकि आज आशीष सुबह ही ड्यूटी चले गए थे, क्योंकि आज वो 5 बजे घर आ गए। तो सुबह वो ड्यूटी चले गए थे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि रक्षाबंधन की राखी वगैरह भी लेनी थी और थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। तो हमने सोचा कि मार्केट चलते हैं, इसलिए सुबह जल्दी चले गए थे कि ताकि शाम को जल्दी आ जाएं और मार्केट जा पाएं। तो 5 बजे से लेके करते करते 7:30 हो चुके हैं, अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी निकलते हैं मार्केट एंड उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हो चुके रेडी और यहाँ पे आशीष भी रेडी हो चुके हैं। इधर आओ। यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी गाय है, वहां पर है। कौन सी जो मतलब ले रहा मेरे कपल से, ये कह रहा है ना आपको जो हम उसी दिन वाले रेस्टोरेंट में आ चुके हैं जहाँ हम उस दिन आए थे। तो उस दिन बहुत खाली था और आज बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है यहाँ, यहाँ देख सकते हो आप लोग, और बहुत शोर भी है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई है। तो हम लोग खा रहे हैं डोसा। वैसे फोटो नहीं खिंचवाते ये बिल्कुल भी, इतनी मुश्किल से 3-4 फोटो खिंचवा ली। अभी आ जाएगा, नहीं आ रहा, आ जाएगा। मैं बहुत वेट कर लिया मैं। ये क्या है? अब जलाओ मत, लोग डर जाएंगे। नहीं डरते लोग। हम लोग आ चुके हैं घर और काफी थकान लग गई मार्केट में। हम लोग गए थे 7:30 बजे और बज चुके हैं 9। तो बाइक में गए थे फिर भी इतना टाइम लग गया, तो फिर थोड़ा देर रेस्टोरेंट में भी रुके इसलिए टाइम लगा ज़्यादा। तो अभी राखी वगैरह ले आए थे। तो मैं आपको ये बताने वाली थी कि कल हम राखी नहीं मना पाएंगे, मतलब हम खुद ही राखी पहन लेंगे, बट जो मेरा भाई है वो भी आप लोगों को पता है, अभी मैं यहाँ रखी हूँ तो वो भी घर में है, तो उसके लिए मैंने राखी भिजवा दी थी और उसके पास पहुंच भी गई है राखी। बट जो आशीष है ना, तो हमें दिल्ली जाना था दीदी के पास, तो दीदी आशीष को राखी बांध देती, बट क्या आशीष को एक तो छुट्टी का प्रॉब्लम भी हो गया क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन फिर काम भी ज़्यादा चलता है, इसलिए छुट्टी भी नहीं मिली। और फिर दीदी और की तबीयत भी आजकल बहुत ख़राब है, इसलिए वो लोग भी यहाँ नहीं आ पाए, नहीं तो वही लोग यहाँ जाते, उनकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो लोग भी नहीं आ पाए। तो इस वजह से फिर हमारी इस बारी मतलब सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, बट यह है कि हम खुद के लिए राखी लेके आ गए, तो खुद खुद पहन लेंगे अपने आप राखी। तो फिर जब दीदी के पास अगली बार जाएंगे तो वो तब आशीष को बांध देगी, कोई बात नहीं। तो इस वजह से बट सेलिब्रेट हम करेंगे अच्छे से, और इसलिए अभी राखी लेके आए थे, थोड़ी मिठाई वगैरह लेके आए थे, और मैं लाई हूँ मेहंदी की कीप, और अभी खाना हम बाहर से ही खा के आ गए, तो अभी मैं रात को लगाऊंगी मेहंदी। मेरा हो चुका है मेहंदी लगाने का टाइम, 10 बज रहे हैं और मैंने सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ। तो इस वाले हाथ में तो मैं खुद से ही लगा लूंगी अपने मेहंदी, बट जो मेरा ये वाला हाथ है उसमें आशीष को मैं बोल रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए, तो देखते हैं वो कैसे लगाते हैं। तो ऐसी मतलब ज़्यादा अच्छी भी ना लगे कोई बात नहीं, बट हल्का फुल्का डिज़ाइन मैं उनको बोलूँगा ऐसे लगा दो, तो देखते हैं आशीष कैसे लगाते हैं। तो अभी मैं उनको बोल रही हूँ, बैठे हुए हैं, आ जाओ भाई आ जा, यहाँ पे आओ ना, वहां पे कहाँ, यहाँ पे लगाएंगे। चल। नहीं ठीक आ रही है, आपको आती है मेहंदी लगानी? नहीं आती तो नहीं है। हाँ तो पर कैसे भी थोप दो। ये देखो, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और मुझे अब लग रहा है कि मुझे
जो मेहंदी लगवाते हैं ना वैसे शॉप खोल लेनी चाहिए। कितनी मस्त लगाई मैंने वीडियो तो में ये देख के। आशीष ने लगाई है ये वाली मेहंदी, मैंने इनको फोटो दिखाई थी और सच में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि आशीष इतनी अच्छी मेहंदी लगा लेंगे, बट आज पहली बार इन्होंने मेरे हाथ में लगाई है और बहुत ही प्यारी लगाई है। और यहाँ पे मेहंदी खत्म हो गई थी तो मैंने यहाँ पे इसमें तो सिर्फ लास्ट गोला बना में दिया। सिरनी कमेंट चाहिए करके बताना कि इनको मैंने कैसी इनके मेहंदी लिए लगाई अपनी है। दुकान खोल और देती हूँ, जिसको अपने हाथों में ऐसी मेहंदी लगवानी हो तो वो हमें फॉलो करें। मुझसे कांटेक्ट करें। इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है ashu.negi23। तो और अब ऐसी देखना मेहंदी है, लगा दूंगा मैं आगे। सिनेमैटिक शॉट लो मेरे इतनी रात को। तो गाइस मैंने ये लगा ली है, अभी थोड़ी देर सूखने देती हूँ, उसके बाद लेटूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेहंदी लगाती हूँ तो रात को लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि रात को आप कुछ काम तो करते नहीं हो और सुबह इतनी डार्क मेहंदी रहती है ना, तो मेरे को आदत है पहले से ही, मैं रात को ही लगाती हूँ। तो अभी मैंने लगा दी है, थोड़ी सी सूख जाएगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी हाथ नीचे करके। और फिर सुबह जब देखते हैं इसका रंग कैसा निखरता है, तो सुबह मैं आपका इसका फाइनल रिजल्ट बताऊंगी। एंड गुड नाइट गाइस, अब मिलते हैं कल आपको नए व्लॉग में। और ये व्लॉग हमारा कल शाम को लाइव होगा यूट्यूब पे, या कल शाम को या परसों सुबह लाइव होगा। और थोड़ी क्लिप हमने आज बना दी है, थोड़ा व्लॉग हम कल सुबह का भी बनाएंगे रक्षाबंधन का। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह, एंड व्लॉग आपको मिल जाएगा परसों सुबह या कल शाम को पक्का। तो बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइस हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट और अभी मैं हूँ छत में, और कल बारिश हुई यहाँ सबसे मेन बात। और आज बारिश तो नहीं है बट मौसम आप लोग देख रहे हो, 11:30 बज चुके हैं और धूप बिल्कुल नहीं है, बहुत सही मौसम है। हे हे गाइस, गाइस, आप आप सभी सभी को को हमारी हमारी तरफ तरफ से से हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनमें उन से सभी जितने को भी भैया हैं, एंड उनको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, और जितने भी हैं बहन मेरी तरफ से उन सभी को। हैप्पी रक्षाबंधन। तो जैसे कि हमने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दीदी और भी नहीं आ पाए थे, उनकी तबीयत खराब थी और हम लोग भी नहीं जा पाए थे क्योंकि आशीष को छुट्टी नहीं मिली थी। तो गाइज कल रात को मैंने ये मेहंदी लगाई थी तो देखो कितनी गहरी रची हुई है इसके हाथों में। आप मुझे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए तो डार्क रची, और इन्होंने इतना प्यारा डिजाइन बनाया। सच में मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इन्होंने लगाई। तो मैं कल आपको बता रही थी कि मैं सुबह बताऊंगी इसका रिजल्ट कि कैसी रची है, तो काफी डार्क रची है और मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। सब पूछ रहे हैं कि किसने लगाई किसने लगाई। और हर बार हम यही बोल रहे हैं कि मैंने लगाई। रक्षाबंधन को भी छुट्टी नहीं होती, आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारी कभी भी छुट्टी नहीं होती, हमें छुट्टी मिलती है पर हम कर नहीं सकते, कर नहीं सकते मजबूर हैं। करने, वही तो रक्षाबंधन में किसी भी कितने भी फेस्टिवल हो ये हाँ सेलिब्रेट, मतलब कुछ भी सेलिब्रेट करना हो, चाहे इनको छुट्टी की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से हम दिल्ली भी नहीं जा पाते। और दीदी और भी कब से बोले इधर थे उधर भी मुझे, नहीं जा पाते घर में। हाँ तो बस छुट्टी की प्रॉब्लम हो जाती है ना। कब मिलेगी आपको छुट्टी? ये एक ही बार मिलेगी, जब भी मिलेगी परमानेंट परमानेंट। छुट्टी। तो गाइस ये कुर्ती जो इसने पहन रखी है मैं इसके लिए कल लाया था इसको। और कैसी है फिटिंग इसकी? अच्छी है एक आपकी को कोई? एक और लाया था उसको इसने फिटिंग कर दी और अब बोल रहे कि ज्यादा टाइट हो गई वो, कहीं इसको भी ज्यादा टाइट मत कर दियो। इतनी कि हमेशा कहते रहते कि मैं उसकी रील नहीं बनाता हूँ, तो आज मैंने कहा तैयार हो जाए तेरी रील बनाता हूँ, एक दो वीडियोस बना दूंगा और फिर मेरे ड्यूटी जाने का टाइम तो हो ही गया है। शाम के बज चुके हैं 4 और आशीष 1 बजे ड्यूटी चले गए थे क्योंकि आपने आपको बताया था कि उनको छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलती, फेस्टिवल भी क्यों ना हो चाहे। तो आप लोगों को बताओ, होटल लाइन में छुट्टी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाले काम होते हैं, छुट्टी जल्दी से नहीं मिलती क्योंकि फेस्टिवल के दिन ज़्यादा काम चलता है। तो वैसे इनकी 1 महीने में 3 छुट्टियाँ हैं बट इस होटल में अलाउ नहीं है छुट्टी लेना, तो इसलिए नहीं ले पाते छुट्टी। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, राखी तो आज हमने सेलिब्रेट करनी नहीं थी, थी नहीं राखी मतलब हमारी, तो बस हमने ऐसी सेलिब्रेट तो नहीं की बट ऐसे जब हम कल लेके आ गए थे।
आशीष ने खुद अपने हाथ में बांध दी थी और मैंने भी खुद अपने हाथ में राखी बांध ली। तो फिर वो 1 बजे चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद मैंने खाना खुना बनाया खाया और मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज व्लॉग शाम ही लाइव करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्लॉग आज शाम को ही लाइव करना है क्योंकि आज ही रक्षाबंधन है, इसलिए मैं सोच रही थी व्लॉग शाम को ही लाइव कर दूँ ताकि आप लोगों को शाम को ही देखने को मिल जाए रक्षाबंधन वाले दिन। क्योंकि फिर कल अगर लाइव करेंगे तो कल तो रक्षाबंधन है नहीं, तो कल लाइव करना सही नहीं है। तो मैं सोच रही थी शाम को ही लाइव करूँ। तो 4:30 तो बज चुके हैं, आशीष 1 राउंड 6 बजे रूम में आएंगे व्लॉग लाइव करने के लिए। तो अभी मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो एंड कर देती हूँ। तो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज इस कुर्ती में जो मैंने पहनी हुई है, इसमें मैंने बहुत सारी रील्स बनाई है। आशीष ने काफ़ी टाइम बाद बनाई, जब उनको बहुत बारी बोला मैंने तो उन्होंने मेरी रील्स बनाई है। तो अगर आप भी देखना चाहते हो मेरी वो सारी रील्स, तो मैं नीचे ID मेंशन कर दूँगी अपने और आशीष की, तो आप जाके हम इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम में हम अपने अपडेट देते रहते हैं, अगर आपको हमसे कोई बात करनी हो या मैसेज करना हो या हमारी अपडेट जाननी हो कि कब व्लॉग आएगा कब नहीं आएगा, तो आप मुझे वहाँ मैसेज भी कर सकते हो। तो प्लीज़ मुझे जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो आप लोग, मैं नीचे ID डाल दूँगी। तो फिलहाल इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।